हेलो दोस्तों, आज फिर से सीखते हैं बेसिक इंग्लिश वोकैबलरी। आज हम जानेंगे ताश के पत्तों के बारे में। ताश के पत्ते को इंग्लिश में प्लेइंग कार्ड्स बोलते हैं। पत्तों के गड्डी को या सेट ऑफ कार्ड्स को हम डेक बोलते हैं। पत्तों में जो अलग अलग प्रकार के शेप्स होते हैं उसे इंग्लिश में सूट्स बोलते हैं। हार्ट्स, क्लब्स, स्पेड्स और डायमंड्स, ये चार प्रकार के सूट्स होते हैं। पान को इंग्लिश में हार्ट्स बोलते हैं। हुकुम को इंग्लिश में स्पेड्स बोलते हैं। ईट को इंग्लिश में डायमंड्स बोलते हैं और चीड़ी को इंग्लिश में क्लब्स बोलते हैं। इक्के को इंग्लिश में एस बोलते हैं। बादशाह को इंग्लिश में किंग बोलते हैं। बेगम को इंग्लिश में क्वीन बोलते हैं और गुलाम को इंग्लिश में जैक बोलते हैं। किंग, क्वीन और जैक को फेस कार्ड्स बोलते हैं। पत्तों को मिक्स करने के लिए शफल बोलते हैं। पत्तों को बांटने के लिए डिस्ट्रीब्यूट करना या डील बोलते हैं। इसे हम जोकर कहते हैं। स्पेसिफिक पत्तों के बारे में बोलने के लिए उसे टेन ऑफ स्पेड्स बोलते हैं या टू ऑफ क्लब्स बोलते हैं या एस ऑफ स्पेड्स बोलते हैं। दोस्तों, शतरंज को इंग्लिश में चेस बोलते हैं। मोहरों को इंग्लिश में चेस पीसेस बोलते हैं। प्यादों को इंग्लिश में पॉन्स बोलते हैं। घोड़े को इंग्लिश में नाइट बोलते हैं। हाथी को इंग्लिश में रूक बोलते हैं। ऊंट को इंग्लिश में बिशप बोलते हैं। वजीर या रानी को इंग्लिश में क्वीन बोलते हैं और राजा को इंग्लिश में किंग बोलते हैं। दोस्तों, ऐसे ही आसानी से इंग्लिश सीखने के लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।